एक बहुत ही आस्थावान, सदगुरु पे अटूट विश्वास करने वाली एक ऐसी बहन निरंकारी, जब पता चला कि कैसे क्या हुआ तो मैं खुद हैरान रह गया कि किस तरह सदगुरु रक्षा करता है हमें। हर आपत्ति, विपत्ति, घटना, दुर्घटना, हर दुख से बचाता है, पर हमें एहसास नहीं होता। एहसास हमें तब होता है या तो काम बन जाने के बाद, और या तो काम बिगड़ जाने के बाद, या तो कुछ मिल जाने के बाद, और या तो कुछ चले जाने के बाद। जब हमारा मन शांत होता है, एक रस होता है, पूरी तरह से हम इसके ध्यान में होते हैं, इसके एहसास में होते हैं, तो किस तरह से एक निरंकारी बहन के भाई की जान बचाई सदगुरु ने, कैसे बचाई। जब पूरी बात आप सुनेंगे आप खुद सोच के हैरान रह जाएंगे। ऐसा ही तो कहते, एक चमत्कार से कुछ कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि जब कहते हैं कि ऐसी अटैक वाला मरीज, आपको पता है अटैक, अब जिसने भी एक शब्द सुना है समझ सकते हैं कि जिसको हार्ट अटैक आ जाए तो उसको कितना समय मिलता है, कितना समय मिलता है जान बचाने के लिए। जरा सोच के देखना, किसी भी मरीज को, भाई को, बहन को, माता को, मतलब किसी भी को अटैक आता है तो उसकी जान बचाने के लिए आपको कितना समय मिलता है, बताइए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। तो इसको देखो कितना समय दिया सदगुरु ने, किस तरह, और वो चमत्कार से कम नहीं कि कोई ठिकाना नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो वही अब निरंकारी बहन के पास आए, आके उसी के दरबार पे उसके दर्शन करें, और उससे बोला भी, क्या क्या बोला सब कुछ बताता हूँ, एक एक बात बताता हूँ कि ये होती है विश्वास की बात। और ये होती, कहते कि निरंकार ही हमारा आधार होना चाहिए और निरंकार पे ही पूरा विश्वास होना चाहिए, ये क्योंकि जो भी है सब यही है। और ये भी पता चला इस घटना से, ये बात पता चली सच्चाई कि कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। ये बात 100% नहीं, 1,000,00,000,10,00,00,00,00,00,00% सत्य है कि ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर है। कैसे ये बात आपको पता चलेगी, सारी सच्चाई आप खुद कहेंगे कि जो हमने, हमें ज्ञान, आपने ये भी देखा होगा कि हम संगत जाते हैं, अभी भी बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं कि संगत जाते जाते साल दो साल हो गए मगर उनको ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान मिलेगा कैसे, जब तक हमारे अंदर वो इच्छा जागृति नहीं होगी, सदगुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होगा। इस निरंकार की जो बातें होती है अंकसंग की, इसको इसे पहचान तो तब होगी जब हमें ज्ञान मिलेगा, जब हमें दिव्य चक्षु से इसके दर्शन कराए जाएंगे, सदगुरु की कृपा से जब हमें इसके दर्शन होंगे तब हम इसको देख पाएंगे, तब पूर्ण विश्वास होगा। मगर तब तक एहसास जो हमें दिलाया जाता है, उसका एहसास अगर हमारे पास है और हम उस एहसास में रहेंगे तो हमें पूर्ण सदगुरु पे विश्वास बना रहेगा। हमारी सभी कामनाएं, भावनाएं सब इसके सामने कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारी क्या कामना है, हमारी क्या भावना है, क्या नज़रिया। तो आज बात करेंगे कि किस तरह एक निरंकारी बहन के भाई की जान बचाई। अभी आपको बता चुका अटैक पड़ा था, कैसे जान बची और कितना समय दिया इस सदगुरु ने, किस तरह से बचाया, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं, अभी सभी निरंकारी संत महात्मा, भाई बहन, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके, धन निरंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो आजकल हमारा सब्सक्राइब भी बहुत कम किया जा रहा है, व्यूज भी कम आ रहे, थोड़ा सा इस अपने संत महात्मा को, थोड़ा सा एक अपने बच्चे को सपोर्ट करो, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो थोड़ा सा और आप लोगों का सहारा चाहिए। तो चलते एक एक बात आपको बताते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक बहन जी हमारी है, बहुत ही अच्छी है, और उनका मन अगर आप बात करोगे तो उनके जुबान से फूल झड़ते हैं, चेहरे से देखो कुछ भी हो जाए एक ऐसी प्यारी सी मुस्कान। कहते किसी के अंदर
चंचलता, होशियारी, चालाकी, बहुत कुछ चेहरे से पता चलता कि ये बहुत तेज है, दिमाग की हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल साधारण सी है। कोई सी बात करो चेहरे पे ऐसी मुस्कान होगी। उन बहन के भाई की बात करता हूँ मैं, तो पता चला था, तो बात करते करते बताया कैसे क्या हुआ, तो सारी बात बताता हूँ कि वो उनके जो भाई हैं वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो काम करते करते हुआ यूं, जो भी वीडियो देख रहा बड़े ध्यान से सुनना, देखना कि किस तरह सद्गुरु कृपा और कैसे एक चमत्कार से कोई कम नहीं है। कि काम करते करते सारी बात मैंने उनसे बात करी, बहन जी से पूछा कि कैसे हुआ, तो बताया बहन जी ने कि वो काम कर रहे थे, काम करते करते तो कह रहे उनको घबराहट हुई, और घबराहट होने के बाद पसीने पसीने हो गए वो, तो लोगों को पता चला जो साथ काम कर रहे थे, तो उनको बिठाया। बिठाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुए, तो थोड़ी देर बाद उनके चेस्ट पे होने लग गया, सीने में दर्द बहुत तेज हुआ, तो लोगों को पता चला। और बहुत कितने ऐसी अवस्था में थे, अब वो कहाँ जाएं, अब वो जाएं कहाँ, फैक्ट्री में तो सब अपने वर्कर साथ में काम करने वाले। तो उनका जो परिवार भाई साहब का, जो निरंकारी बहन, ये भाई साहब ये निरंकारी नहीं है, इन्होंने कोई ज्ञान नहीं लिया ना ही कभी सत्संग है, जो उनकी बहन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, निरंकारी है, ब्रह्मज्ञानी है, और भाई साहब की बात कर रहा हूँ, उनके भाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको फिर वहाँ चेस्ट पेन हुआ। अब बात आती है कि अब वो कहाँ जाएँ, कहाँ लेके जाएँ, क्योंकि उनका भाई साहब का पूरा परिवार, बीवी बच्चे सहित वो सब गाँव पहले से गए हुए थे, घर में कोई नहीं था, वो अकेले थे, ड्यूटी आना जाना कर रहे थे। तो हुआ, अब उन्होंने बोला कैसे जाए, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला कहाँ लेके जाए। तो अब जा सोचो कि घर के पास नहीं, काफ़ी दूर है जहाँ काम करते हैं, वहाँ से लेके बोला कि मेरी बहन के पास ले चलो, बड़े ध्यान से सुनना, बहन के पास ले चलो। अब जरा सोचो, अटैक पड़ता पेशेंट को, चेस्ट पेन, घबराहट, पसीने पसीने हो जाना, अटैक आया है, तो कैसे हुआ, कितना समय मिलना चाहिए। मगर दातार ने देखो किस तरह से, उन्होंने बोला बहन के पास ले चलो मुझे। तो उनकी कंपनी से सभी लोग इनकी बहन के यहाँ ले आए, तो देखा तो भाई साहब कहने लगे कि दीदी अब लगता मैं बचूंगा नहीं, बच्चों से मेरी बात करा दो, और रोने लगे। बच्चों से फ़ोन पे बात हुई, बिटिया जो बिटिया बच्चे जो भी हैं, और अपनी बीवी से जो बात करी है, रो रो के बोलने लगे कि अब मैं बचूंगा नहीं, मुझे लग रहा मैं बचूंगा, क्योंकि घबराहट हुई तो चेस्ट पेन उनको पता चल गया, अटैक आया है तो दिक्कत होने लगी बोलने में, तो करे काफ़ी रोने लगे थे, मेरी बात करा दो, मैं बचने वाला हूँ नहीं, सबसे बात करी, उधर बच्चे भी रोने लगे, इधर बहन जी भी रोने लग गई। तो बहन जी बता रहे कि तो मैंने पड़ोस में डॉक्टरों को जाके उनको दौड़ के दिखाया कि वो किसी ने दवाई नहीं दी। अब देखो वो निरंकारी बहन, ब्रह्मज्ञानी बहन उनके पास आए, अब उन्होंने पूरा मशक्कत, देखो कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी ही, आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। अब ये बात यही पकड़ने वाली है, अगर जो पकड़ सकते हो तो सोचो, ये नहीं कि ज्ञान ले लिया हम ज्ञानवान बन गए। कहते ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर, खुदा है वो, भगवान है वो, जिसको इस सदगुरु सच्चे पातशाह ने ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान, वो खुद परमात्मा है। तो यहीं से आपको पता चलता है कहाँ उनकी कंपनी, ये देखो बहन के पास ले चलो। आके बहन ने पूरा मशक्कत किया, पूरे कोशिश कर रहे कि देखो कैसे, मैंने तो बताया तो बोला सारे डॉक्टरों को इधर उधर अड़ोस पड़ोस सबको दिखाया, बोला हम दवाई नहीं दे सकते, इनकी हालत ठीक नहीं है, अटैक पड़ा हुआ। तो किसी तरह लेके मैंने बोला बहन जी ये तो बस सही बात, मैंने वो सत्संग जाते हैं, बोला नहीं महापुरुषों ना तो भाभी सत्संग जाती, भाभी को कई बार मैंने एक दो बार देखा है, ज्ञानवान नहीं लिया, मगर उनके भाई को मैंने कभी देखा नहीं सत्संग में, इनको तो कई बार देखा है आते जाते, अब तो समय नहीं मिलता, थोड़ी घर में परेशानी चल रही थी, तो इसी कारण। तो फिर मैंने बोला बहन जी देखो कितना अच्छा संजोग है सतगुरु का, कि आपके भाई ने बोला
बहन के पास ले चलो, आपके दर्शन हो गए। उनको पता था, जानते वो सब थे कि हाँ भाई मेरी बहन निरंकारी है। तो मतलब जो भी मतलब अहमियत होती है हमारे, हम लोगों की वैल्यू है निरंकारी की और ब्रह्मज्ञानी की, कि दर्शन मात्र से ही, कहते निरंकारी संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी, कहते उनके दर्शन मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं, हमारी आपत्ति विपत्ति घटनाएं दुर्घटनाएं यूं गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो मैंने बोला बहन जी ये सब आप जी के दर्शन की, सब दर्शन की वजह से, बस आप जी के दर्शन कर लिए क्योंकि बहन के पास आए हो और बहन निरंकारी है ब्रह्मज्ञानी है, तो ठीक तो हो नहीं था। अब सद्गुरु तो यही है, हर किसी में जो ब्रह्मज्ञानी संत है सद्गुरु ऐसे बस जाता है। कैसे बस जाता है? जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में बैटरी है, बैटरी है पड़ी रहती बैटरी, और मोबाइल को चलाती रहती है, चार्जर तो लगाया हटाया मगर बैटरी कभी साथ नहीं छोड़ती। सेल वाली घड़ी, घड़ी डाल दी लटका दिया, सेल नहीं है घड़ी बंद है, सेल पड़ा हुआ घड़ी चलने लग जाती है। तो ऐसे सद्गुरु हमारे घट में बैठ जाता है और इस शरीर को चलाता है, हमें उसी नज़रिए अपनी ही आंखों से दिखाता है। ज्ञान लेने के बाद हमें अपनी ही आंखों से दिखाता है सब कुछ, अपनी ही जुबान से बुलवाता है, मगर हम कभी कहते हैं मनमति, मनमत में आ जाते हैं, तब हम परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, हमारे सामने दुख आता है, तकलीफें आती है, और ना जाने मन कितना खटास होता है, डिप्रेशन आता है, ना जाने क्या क्या तकलीफें होती। तो बहन से मैंने बोला ये सब आपके दर्शन का नतीजा है, आपसे दर्शन कर लिया आपके, आपके बस पास आ गए तो कैसे नहीं जान बचेगी। बोला बस संतो, बस बापू सो, बस माता जी की कृपा से बच गए, हमें तो लगता था भाई मेरे हाथ से चला जाएगा, कंडीशन ऐसी थी हमें भी। और देखो जरा सोच के देखो, इनका परिवार भाई साहब का गांव में पूरा, और बहन जी की तैयारी उसी टाइम की जाने की थी, कह रहे हम तैयारी कर रहे थे हम गांव जाने वाले थे, पर फोन आ गया इसी से बात है, तो हमें हम सब रुक गए, फिर बाबी पापा फोन किया वो गांव से आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको लेके गए एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। देखो जरा ध्यान से सुना किस तरह से, देखो कहाँ बहन जी के पास आए, बस माता जी सब ठीक करेंगी, ठीक करेंगी नहीं कर दिया, अस्पताल लेके गए सरकारी अस्पताल में, भर्ती कराया, स्टेबल हो गए। उसके बाद जब स्टेबल हो गए, वहाँ उनकी सुविधा नहीं थी स्टेंट पड़ने की, तो फिर जब ठीक हुए दो तीन दिन बाद उनको किसी और अस्पताल में रेफर किया, वो भी सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसकी सर्जरी हुई, स्टेंट पड़े, महात्मा जी ठीक हो गए। अब महात्मा कह लो कुछ भी कह लो, बहन निरंकारी है, उनके भाई जो भी है, तो वो ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद फिर अपने घर आ गए, तो बोला माता जी की कृपा से भाई बच गया, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि भाई मेरा हाथ से निकल जाएगा। तो सोचने वाली बात ये कि कहते ना पूर्ण जब विश्वास होता है ना, पूर्ण विश्वास होता हम आग में भी कूद जाएंगे ना, तो हमें आज तक नहीं लगेगी, जलना तो दूर की बात है। अगर गहरे पानी में समुंदर में अभी भी अगर भरोसा करके, भरोसा करके नहीं, भरोसा है यही यही है बचाएगा, समुंदर में भी यही है, और कूद जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जस के तस बाहर निकल आओगे। तो कैसे जान बचाई, सुना तो बहुत ही अचंभा हुआ, क्योंकि अटैक अभी हमारे पड़ोस में ही पिछले महीने की बात है, उनके घर में कीर्तन वगैरह थे, तो कीर्तन होने के बाद सब कुछ जो प्रसाद वरसाद सब लेके चले गए, तो अंकल वो साफ सफाई करने लगे, करते 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 आ गया उनको अटैक, और जब तक अस्पताल लेके गए गए तब तक तो उनका देहांत हो चुका था। अब यहाँ बात आती है एक निरंकारी संत महात्मा की, यहाँ बात आती है एक विश्वास की। हम लोग बहुत ही कहते हैं अभी कहते सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारे सामने इस दुनिया का मालिक रहवर, रहवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं
जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए कि हर श्वास में हर एक श्वास में इसका सुमरण होना चाहिए। सुमरण करो या ना करो जुबां से तू ही जंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो बोलो या ना बोलो मगर एहसास में ध्यान में मन में सुमरण चलता रहे। ये दुनिया का मालिक हमें इतना सौभाग्यशाली बनाया कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब बस क्या कहते हैं कि खजाने में से 2 रुपया 4 रुपया 1000 रुपया 10 रुपया 1 लाख रुपया 10 लाख 2 लाख 20 लाख करोड़ मिल रहा है। अरे हमें तो खजाना ही मिल गया भैया, खजाना ही मिल गया। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी स्कीमें मिल गई, काम चल रहा है। अरे जब प्रधानमंत्री अपना हो गया अब क्या जरूरत है, तो हिंदुस्तानी अपना हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि इसका एहसास, अभी ये हम यहाँ बैठे हुए वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी यहाँ से एक आवाज़ आए कैसी भी आए तो एकदम रूह कांप जाएगी। अरे कौन बोला, पता है ये निरंकार है। तो कैसे समझाता हमें, कैसे बोलता है हमें, कैसे दिखाता हमें इस रूप में। अरे कहते हैं कि देखो कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं, वही बात है ना कि कहते ना कि वो एक भजन था कि दुनिया में जब तूने लब खोला, दुनिया में जब तूने लब खोला सबसे पहले माँ बोला। और ये माँ के रूप में ये दुनिया का मालिक हमें समझा रहा, खुद हर तरह से समझा रहा है, अपना एहसास दिला रहा कि देख निरंकार रूप में तो तेरे साथ हर जगह हूँ और तेरे घट में हूँ। वैसे भी निरंकार का हो तो साकार को मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं। मगर हम मनमती में साथ छोड़ देते हैं। एहसास में रहेंगे, जब हमें इसका एहसास है तो हमारा ये पास है। पास मतलब अगर हम इसका एहसास करेंगे तो ये हमारे पास है, ये हमें एहसास होगा कि हमारे पास है। वैसे तो सबके पास है, सबके साथ है। तो देखा कितनी विश्वास की बात कि बहन को देखो पूरी तरह से बोला कि मुझे नहीं लगता अब मेरा भाई हाथ से निकल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अब सुनते कि साधु के जो बोल आए सुनना और सुनाना है, सुनना तो कानों से है और सुनाना कर्मों से सुनाना है, वचनों से भी सुनाना है। वचनों से सुना के अपने जीवन में पहले डालो फिर दूसरे को समझाओ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो हम सत्संग जाते हैं जो वचन आते हैं उन वचनों को अपने अंदर पूरी तरह से हम, अब जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं सब कुछ खरीदते हैं थैले में लटका लेते हैं और एक सुनार की दुकान में घुस जाते हैं, एक नेकलेस ले आते हैं कितने 10 लाख का बना, उसमें कितना ध्यान होता। जब तक आप नेकलेस लेके घर नहीं पहुंच जाते हो तब तक आप डर डर के जाते हो, हाय कोई चोरी ना कर ले, हाय धक्का मुक्की कोई जेब ना काट ले, हाय कोई पकड़ ना ले, कोई किडनेप ना कर ले, कितना डर बना रहता है। बैंक में जाते हो कि नहीं, बहुत लोग जाते हैं निकाल के लाते हैं चेक लेके जाते हैं 20 लाख निकाला थैले में भर दिया गाड़ी वहाँ खड़ी है, अकेले नहीं जाते दो बंदे जाते हैं। जब तक बैंक से गाड़ी के अंदर नहीं तब तक वो अंदर से कपकपी मची रहती है कोई पैसा लेके ना भाग जाए, पैसा लेके ना भाग जाए, कोई छीन ना ले, बहुत कीमती है, फिर नहीं मिलेगा पैसा, फिर नहीं मिलेगा पैसा। और सत्संग के वचन को भवन पर छोड़ के आ जाते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि सत्संग हमें बेशक बुरा नहीं माना बख्श लेना, इतना बड़ा संत महात्मा नहीं हूँ, बस आप जी की चरण धूलि हो, जो देखता हूँ सुनता हूँ आजकल तो बस सही काम बस इसी में लगा रहता हूँ मैं, दिमाग इसी में खोजता रहता हूँ मैं कि
सत्संग बेशक हफ्ते में एक बार करो मगर ध्यान से करो, और वो एक हफ्ते की जो सत्संग है वो पूरे सप्ताह, जब तक अगले सप्ताह की संगत आप करोगे तब तक वो दिलो दिमाग में ऐसे छाए रहे कि जिस तरह से एक कैदी को पुलिस पकड़ लेती है, पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है, दाएं बाएं पुलिस वाले, आगे पुलिस वाले, पीछे पुलिस वाले, उसको खतरा है, हम कहीं नहीं भाग सकते, इधर से भागे हो सकता गोली मार दे, हो सकता ये कर दे, तो एकदम डर बना रहता है। जब एग्जाम की परीक्षा होती है तो बच्चा बैठा होता है, वो कुछ एकदम कोई रिएक्शन नहीं, बस जो याद है वो लिखता रहता है, और उसके अंदर डर भी बना रहता है, अगर हाय हमने गलती कुछ कर दी, नकल कर दी, तो हो सकता हमें एग्जाम से बाहर कर दे, जब फेल होना तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम से बाहर कर दे, हम परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो पास का कोई सवाल ही नहीं पैदा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और आप जी के सभी संत महात्मा भाई बहनों माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्य गाजी।